यार क्या हाल समाचार है आप सबका, फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। अभी हाल ही में जो है यशराज फिल्म्स ने एक चीज का अनाउंसमेंट किया है कि वो भी खुद के एक यूनिवर्स पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है स्पाई यूनिवर्स। और इस यूनिवर्स में ऑलरेडी बहुत सारी मूवीज जो रिलीज हो चुकी थी लेकिन हम सबको कानो कान पता नहीं था, जैसे कि एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर, और अभी पठान जो मूवी आ रही है वो मूवी भी इस यूनिवर्स का हिस्सा रहेगी और एक दूसरे को शेयर करेगी। लेकिन अभी तक इन चारों मूवी में जो है हमें कहीं भी क्लियर नहीं करा है कि ये जो एक दूसरे को शेयर करती है। लेकिन अगर आप वॉर मूवी को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कबीर का जो एक्स पार्टनर था वो करीब 2 साल पहले जो है कहीं पर मर गया था। और अगर आप पठान की टीजर को देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि उसमें जो अपने शाहरुख खान वो भी 2 साल से रॉ एजेंट की नजरों में मर चुका था, बट इसमें जो है जिंदा था। तो बहुत लोगों का ये है कि ये जो है शायद कबीर का ही एक्स पार्टनर होगा और फिर उसके बाद क्या होगा वो तो आपको मूवी में पता चलेगा। मूवी बहुत सिंपल है, बस हाइप कुछ ज्यादा है क्योंकि शाहरुख खान बहुत सालों बाद एंट्री कर रहे हैं। यार अब जैसे कि स्पाई यूनिवर्स आया तो फिर लोगों के अंदर उसको जो कंपैरिजन करना भी तो बनता है, तो ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे और हर जगह ये चीज कंपैरिजन चलने लगी कि जब से KGF ने जो है खुद का यूनिवर्स अनाउंस किया उसके बाद से जो है बॉलीवुड फिल्में भी जो है खुद के यूनिवर्स पे यूनिवर्स बनाई जा रही है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले भेड़िया का यूनिवर्स भी अनाउंस हुआ था, इसमें कि बहुत सारी फिल्में आने वाली और बहुत आ भी चुकी है, और उसके बाद जो है अभी स्पाई यूनिवर्स जो कि आ रही है कि आई चुकी है। तो चलो अब जब लोगों के अंदर कंपैरिजन है तो हम भी उसको थोड़ा बढ़ाते हैं कि व्यूज किसको नहीं चाहिए पैसा। तो चलो पहले बात करते हैं कि इन सारे यूनिवर्स में जो है टोटल मूवीज कितनी है। तो KGF की यूनिवर्स की अगर पहले बात करें तो इस यूनिवर्स में अभी 2 मूवी जो है रिलीज हो चुकी है, KGF चैप्टर 1 और KGF चैप्टर 2। KGF चैप्टर 3 अभी पोस्ट प्रोडक्शन में है और ये जो है माना जा रहा है कि 2024 से लेकर 2025 तक की मूवी रिलीज हो जाएगी, क्योंकि इस बीच में जो है प्रशांत नील की और भी मूवीज आने वाली है जैसे कि सलार, बगीरा, NTR 31, NTR 30, ये सारी मूवीज भी जो आनी बाकी है। लेकिन अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि सारी मूवीज जो है KGF की यूनिवर्स को शेयर करेंगे, बाकी आगे क्या होगा वो तो देखने के लायक होगा। अब बात करते हैं स्पाई यूनिवर्स की जो कि यशराज फिल्म्स की होने वाली है। तो इस फिल्म में जो है ऑलरेडी 3 मूवी रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है एकता टाइगर, टाइगर जिंदा है और फिर वॉर, और अभी चौथी फिल्म जो है पठान वो 2023 में रिलीज हो जाएगी, टीजर आ चुका है। और 2 अपकमिंग मूवीज भी है जिसका नाम है टाइगर 3 और वॉर की सीक्वल, जिसका भी कोई नाम डिसाइड नहीं हुआ है, ये डिसाइड हुआ है कि वॉर की जो एक सीक्वल आएगी। तो चलो ये तो बात कर ली इन सारे यूनिवर्स में जो है टोटल मूवीज कितनी है, अब बात करते हैं रोकड़े के ऊपर कि इन सारे यूनिवर्स ने जो है पैसे कितने कमाए, क्योंकि मेन तो हम उसी से जज कर पाएंगे ना। तो अगर हम स्पाई यूनिवर्स के बारे में पहले बात करें तो इसमें टोटल 3 मूवी रिलीज हुई है जो कि बहुत बड़े बड़े एक्टर्स की थी, जैसे कि ऋतिक रोशन, और 2 फिल्में तो अपने सलमान खान की थी। और इन सारी मूवीज का अगर बजट के बारे में बात करें तो 435 करोड़ रुपए होता है मिला के, और इसके अगर बॉक्स ऑफिस के बारे में बात करें तो ये तीनों फिल्मों ने जो है एक साथ 1374 करोड़ रुपए की कमाई की है, जो कि मेरे ख्याल से हाँ भाई ठीक ठाक है। तो ये तो हमने बात कर ली कि स्पाई यूनिवर्स ने कितना पैसा कमाया, अब बात करते हैं हम सबकी फेवरेट KGF की यूनिवर्स ने कितना पैसा कमाया। तो सबसे पहले बता दूं KGF यूनिवर्स में 2 फिल्में रिलीज हुई है, उन दोनों का टोटल जो है बजट सिर्फ 180 करोड़ का है, जहां पर 80 करोड़ में KGF चैप्टर 1 बनी थी, वहीं पर 100 करोड़ में KGF चैप्टर 2 बनी थी। लेकिन अगर हम इनके बॉक्स ऑफिस के बारे में बात करें तो भाई इसने स्पाई यूनिवर्स को भी हरा दिया है। अगर इन दोनों मूवीज का कलेक्शन के बारे में बात करें तो KGF चैप्टर 1 में 250 करोड़ रुपए कमाए थे और KGF चैप्टर 2 ने 1207 करोड़ रुपए की कमाई की है, और अगर इनका टोटल जोड़े तो 1474 करोड़ रुपए होता है। एंड भाई स्पाई यूनिवर्स से सच में ये आगे है, जबकि सिर्फ 2 मूवीज रिलीज हुई है। तो चलो ये तो हमने बात कर ली कि इनकी कमाई के बारे में, इनके यूनिवर्स में टोटल कितनी फिल्में हैं, अब बात करते हैं इनके फ्यूचर के लेके। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पाई यूनिवर्स के बारे में। तो स्पाई यूनिवर्स की मूवी जो है मेरे ख्याल से शायद आगे जाते जाते अगर ये अपने यूनिवर्स को और आगे बढ़ा करेंगे तो ये शायद DC ना बन जाए। इन्होंने बहुत बड़े बड़े कास्ट लिए हैं जैसे कि ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ, शाहरुख खान, सलमान खान, ये बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं ऑलरेडी, और इसीलिए जो हम इनकी फिल्मों को एज अ फेस्टिवल की तरह देखने के लिए जाते हैं, मानो ना मानो। क्योंकि अभी शाहरुख खान को ही देख लो, मैंने उनकी लास्ट फिल्म कौन सी देखी थी मुझे वो याद भी नहीं है, 2019 के करीब वो फिल्म देखी थी, और उसके बाद से अब इनको देखूंगा पठान के रोल में, और वो भी एक स्पाई एजेंट, तो देखने लायक होगा। लेकिन अगर वहीं पर हम बात करें KGF यूनिवर्स के बारे में तो KGF यूनिवर्स जो है मेरे को ऐसा दिलासा नहीं देती कि भाई एक बड़ा एक्टर है तो तुम्हें उसकी फिल्म जाके देखनी चाहिए, कुछ ना कुछ मजा मिलेगा। नहीं, KGF की फिल्में हम इसलिए देखते हैं क्योंकि भाई हमें दिल से वो अच्छी लगती है, हमें जो चीज़ देखना था मास एक्शन, मास BGM, स्टोरी में खौफ और कैरेक्टर ऐसा है किसी के सामने खड़ा हो जाए तो उसकी गांड फट जाए, ये चीज़ हमें देखनी है, इसीलिए हम KGF को इतना पसंद करते हैं। और मतलब वो भौकाल वाली फील जो होती है ना,
वो हमको देती है। इसीलिए तो KGF चैप्टर 2 इतने साल तक डिले हुई, लेकिन फिर भी जो है लोगों ने उसे इतना प्यार किया कि वो 12.7 करोड़ की कमाई कर गई। एंड मेरे ख्याल से, पर्सनल एक्सपीरियंस से, मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो मेरे ख्याल से सिनेमा और गर्म होता। खैर, इतने सालों वेट के बाद भी ये फिल्म जो बहुत अच्छा खासा स्कोर कर गई। और जैसे ना अभी KGF चैप्टर 3 की क्रेज है, मैं कह रहा हूँ जब मूवी आएगी तो वो आग लगा देगी। कोई पूछेगा नहीं कि स्पाई यूनिवर्स क्या है, सब लोग जो है KGF की तरफ भागेंगे। और भाई मैं तो पर्सनली भागूंगा, क्योंकि मेरा चैनल ही जो है KGF की वजह से उठा हुआ है। खैर, आप सबको क्या लगता है कि आगे और भी जो है कितने सारे यूनिवर्स बनेंगे और उनकी कैसी कैसी फिल्में रहेगी, आप देखना पसंद करोगे नहीं करोगे मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताना। और एक चीज, किसी फिल्म को जो है ऐसी जज मत कर लेना जब तक आप उसको पूरा ना देखो। क्या मतलब, मैं ऐसे ही जज कर देता हूँ। तो बताना आप सबको ये वीडियो कैसी लगी, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मिलते हैं अगली वीडियो में।